टू नाउ चैप्टर टू रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज टू पॉइंट टू क्लास इलेवेंथ अब देखो इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस टू पॉइंट वन ऑर्डर पेयर एंड ट्रिपलेट कार्डिशन प्रोडक्ट नाउ इन दिस वीडियो डिस्कस अबाउट रिलेशन एंड फंक्शन रिलेशन सबसे पहले रिलेशन के बारे में आता है रिलेशन क्या होता है इसको आर से डिनोट किया जाता है इट इज डिनोटेड बाय आर कैपिटल आर आर का मतलब रिलेशन तुमने देखा होगा सेट में कई बार एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं जैसे कि मान लो दो का गैप है सब में या डिफरेंस थ्री का है या सारे के सारे ऑड नंबर हैं एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं किसी ना किसी पैटर्न से कोई ऑड नंबर पैटर्न आ गया कहीं पे डिफरेंस सेम आ गया कहीं पे वो उसका परफेक्ट स्क्वायर है वन का स्क्वायर वन टू का स्क्वायर फोर इस तरीके से तो एलिमेंट सेट के जो अंदर एलिमेंट होते हैं वो आपस में रिलेटेड होते हैं ऐसे लिखा जाता है ए रिलेटेड टू बी ए रिलेटेड टू बी बीच में आर लग गया इसका मतलब है ए और बी में रिलेशन है वो रिलेशन कैसा भी हो सकता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई पे या फिर स्क्वायर हो लेस देन ग्रेटर देन मतलब वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है फिर कई बुकों में ऐसे भी लिखते हैं ए बी रिलेटेड टू आर बिलोंग्स टू आर आर का मतलब रिलेशन ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो ए रिलेटेड टू बी लिख लो या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको ए बी बिलोंग्स टू आर आर का मतलब रिलेशन ए बी में रिलेशन है तो इसको एक समझने के लिए दो सेट हैं लेट टू सेट पी ए बी सी है और क्यू नाम है अली भानु बिनी चंदन और दिव्या जैसे दो सर्कल दिए हुए हैं ये डायग्राम बोलते हैं इसको इससे देखो ए से अली बी से क्या है भानु और बिनी सी से चंदन और डी दिव्या है इसमें उसका किसी के साथ किसी भी लेटर के साथ कोई रिलेशन नहीं है तो अगर हम इसको देखें तो इसको हम सेट बिल्डर में ऐसे लिख सकते हैं आर को आर का मतलब रिलेशन एक्स इज़ द फर्स्ट लेटर नेम ऑफ एक्स इज़ द फर्स्ट लेटर नेम ऑफ सेकेंड सेट फर्स्ट सेट का जो है एक्स जो क्या शो कर रहा है फर्स्ट लेटर नेम ठीक है वेयर एक्स बिलोंग्स टू पी पहला एलिमेंट सेट पी का है ये पी है सेट और ये क्यू है सर्कल और दूसरा क्या है वाई बिलोंग्स टू क्यू तो एक्स वाई में कैसा रिलेशन है एक्स वाई में ये रिलेशन है कि जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे सेट में जो नेम है उसका फर्स्ट लेटर है दूसरे सेट में जो नाम है उसका फर्स्ट लेटर है ठीक है तो अगर हम इसको रिलेशन में लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं ए से अली बी से भानु बी से बिनी सी से चंदन और ये रोस्टर फॉर्म हो गया आर ये अगर हम रिलेशन लिखना आएगा क्वेश्चन में इस तरीके से आएंगे रिलेशन अब आते हैं डोमेन तो समझ में आ गया रिलेशन क्या होता है रिलेशन होता है ए uh, और बी के अंदर जो भी रिलेशन होगा वो तुम्हें पैटर्न क्वेश्चन में गिवन होगा आर से डिनोट किया जाता है ऐसे लिखा जाता है ए रिलेटेड टू बी ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो ए बी बिलोंग्स टू आर ए की बात है ठीक है तो कई बुकों में इस तरीके से भी लिखा हुआ अब आता है डोमेन और रेंज सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इन रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी इज कॉल्ड डोमेन पहली वैल्यू को डोमेन बोला जाता है जैसे इसमें डोमेन ए बी सी है इसमें डोमेन क्या है ए बी सी और सेकेंड वैल्यू को रेंज बोला जाता है रेंज क्या होता है सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड रेंज और को डोमेन जो गिवन सेट है डोमेन होता है सेट का पहला एलिमेंट सेट के फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट जो होते हैं ना ए और बी का मान लो रिलेशनशिप में आर ए और बी के बीच में रिलेशनशिप है आर को तुमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया तो फर्स्ट फर्स्ट जो एलिमेंट होगा ना पहला पहला एलिमेंट वो डोमेन होगा और सेकेंड एलिमेंट क्या होगा रेंज एक्स की वैल्यू डोमेन होती है वाई की वैल्यू रेंज होती है ये ध्यान रखना एक्स की वैल्यू क्या होती है डोमेन और वाई की वैल्यू रेंज जो हम वैल्यू पुट करते हैं वो डोमेन होता है पुट करने के बाद जो आंसर आएगा वो रेंज होता है ठीक है और कोडोमेन जो गिवन सेट है डोमेन फर्स्ट वैल्यू सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट पहली वैल्यू रेंज सेट ऑफ ऑल सेकंड वैल्यू सेकंड वैल्यू ठीक है सो नाउ एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेवन देखो एग्जाम्पल है एनसीआरटी का ए दिया हुआ है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए ये इंपॉर्टेंट होता है इसमें ए टू ए का मतलब ए के एलिमेंट ए से रिलेटेड है बाहर का कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा ए टू ए का मतलब ए के एलिमेंट ए से ही रिलेटेड है और ये क्वेश्चन में ये ये गिवन होता है ये मेन चीज़ ये होती है इसके अंदर ये पैटर्न जो दिया होता है आर दिया हुआ है एक्स वाई वाई एक्स प्लस वन डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एरोडाइग्राम इस क्वेश्चन में सब कुछ बोला हुआ है एरो डायग्राम से डिनोट करना है राइट डाउन डोमेन रेंज एंड को डोमेन तो देखो वाई एक्स प्लस वन है तो पहले यहाँ पे एक्स की जगह वन डालेंगे तो वन प्लस वन वाई के वैल्यू टू हो जाएगी वन टू लिख दिया टू डालोगे टू प्लस वन थ्री आ जाएगा ठीक है फिर थ्री डालोगे थ्री यहाँ पे एक्स की जगह वाई एक्स प्लस वन है ना तो यहाँ पे एक्स की जगह थ्री डालोगे थ्री प्लस वन क्या होगा फोर ऐसे ही फोर डालोगे फोर प्लस वन फाइव आ जाएगा फाइव डालोगे फाइव प्लस वन सिक्स आ जाएगा लेकिन जैसे हम सिक्स डालते हैं तो सिक्स प्लस वन क्या होता है सेवन सेवन तो बाहर का एलिमेंट हो गया ना ए में तो सेवन है ही नहीं ल, रिलेशन क्या बोला हुआ है ए टू ए टू ए का मतलब ए के एलिमेंट ए से रिलेटेड है बाहर का कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा तो सेवन नहीं लिखेंगे सिक्स सेवन नहीं आएगा इसमें तो ये आ जाएगा वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर फाइव और फाइव सिक्स अब इसमें हमें एरो डायग्राम डिनोट करना है तो देखो एरो डायग्राम ये आएगा एक दो सर्कल बना लो इसमें छः नंबर थे ए में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इधर भी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन पे वैल्यू क्या आ रही है टू वन डालने पे तो वन पे टू टू पे क्या आ रही है थ्री थ्री पे क्या आ रही है फोर फोर पे क्या आ रही है फाइव फाइव पे क्या आ रही है सिक्स तो वन और सिक्स खाली रह जाएगा ये एरो डायग्राम आ गया अब डोमेन लिखना है डोमेन इसका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट वन है टू है थ्री है फोर है फाइव फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट ये डोमेन आ गया वन टू थ्री फोर और फाइव अब रेंज लिखना है रेंज हमारा सेकेंड वैल्यू टू थ्री फोर सेकेंड सेकेंड फाइव और सिक्स टू थ्री फोर फाइव सिक्स रेंज आ गया रेंज हमेशा सेकेंड वैल्यू होती है और डोमेन हमेशा फर्स्ट वैल्यू होती है और को डोमेन जो गिवन सेट है गिवन सेट देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स ये को डोमेन आ जाएगा ये क्या आ जाएगा को डोमेन ठीक है इस ये क्या हो जाएगा को डोमेन क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्सरसाइज टू पॉइंट वन क्वेश्चन नंबर वन वन से लेके स्टार्ट है देखो ए गिवन है वन टू थ्री फोर से लेके फोर्टीन डिफाइन रिलेशन फ्रॉम ए टू ए अब इसमें भी ए टू ए है ए टू ए का मतलब ए के एलिमेंट ए से रिलेटेड है बाहर का कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा फोर्टीन तक आएंगे एक से चौदह तक उसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं लेना है ए टू ए का मतलब ए के एलिमेंट ए से रिलेटेड है आर दिया हुआ एक्स वाई थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो एक्स वाई बिलोंग्स टू ए राइट डाउन डोमेन एंड रेंज तो थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो है वाई को इस तरफ लेकर आओगे वाई इक्वल टू थ्री एक्स हो गया वाई इक्वल टू क्या आ रहा है थ्री एक्स ठीक है अब देखो एक्स की जगह वन डालोगे तो वन थ्री इंटू वन वन थ्री आ जाएगा वाई टू डालोगे एक्स की जगह ठीक है एक्स की जगह क्या डालोगे टू तो थ्री टू जा सिक्स आ गया थ्री डालोगे एक्स की जगह थ्री थ्री जर नाइन आ जाएगा फोर डालोगे ट्वेल्व आ जाएगा लेकिन जैसे फाइव डालते हैं फिफ्टीन आ रहा है फिफ्टीन तो लेंगे नहीं क्योंकि बाहर का एलिमेंट हो गया ना पंद्रह ए टू ए बोला हुआ है ना ए टू ए का मतलब ए के एलिमेंट ए से रिलेटेड है तो फोर तक ही आएगा इसमें इसमें फोर तक ही आएगा ठीक है ये आएगा वन टू वन थ्री टू सिक्स थ्री नाइन और फोर ट्वेल्व फाइव लेने पर कितना आ रहा है फाइव यहाँ पर फाइव डालोगे यहाँ पे x की जगह थ्री एक्स है ना तो थ्री इंटू फाइव फिफ्टीन आ जाएगा फिफ्टीन तो बाहर का एलिमेंट हो गया तो लेंगे नहीं फोर तक ही लेंगे तो डोमेन क्या है फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट वन टू थ्री और फोर और रेंज क्या है सेकेंड वैल्यू थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व ये रेंज आ गया और को डोमेन क्या है जो गिवन सेट है वन टू थ्री फोर से लेके फोटीन तक ये को डोमेन आ गया ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आर रिलेशन आर क्या दिया हुआ है एक्स वाई वाई एक्स प्लस फाइव एक्स इज़ लेस देन फोर चार से कम चार से कम ये वन टू थ्री है तो यहाँ पे एक्स की जगह पहले वन डालो तो वन डालोगे वन प्लस फाइव वन पे सिक्स आ जाएगी वैल्यू टू डालोगे टू प्लस फाइव सेवन टू पे सेवन आ रही है थ्री डालने पर थ्री पे एट तो डोमेन लिखना है डोमेन क्या होगा एक्स की वैल्यू है ना डोमेन फर्स्ट वैल्यू वन टू और थ्री ये डोमेन आ गया वन टू थ्री रेंज क्या होगा सेकेंड वैल्यू सिक्स सेवन और एट सिक्स सेवन एट रेंज आ गया रेंज होता है सेकेंड वैल्यू सेट में सेकेंड ऑर्डर पेयर में सेकेंड वैल्यू रेंज होती है और फर्स्ट वैल्यू क्या होती है डोमेन ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट डोमेन होता है और सेकेंड वैल्यू क्या होती है रेंज नौ क्वेश्चन नंबर थ्री वन टू थ्री फाइव है बी है फोर सिक्स नाइन डिफाइन ए रिलेशन ए टू बी अब देखो इसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पहले हमने दोनों किए उसमें ए टू ए था अब इसमें a, a के एलिमेंट बी से रिलेटेड है ए के एलिमेंट बी से रिलेटेड है आर एक्स वाई है द डिफरेंस बिटवीन एक्स वाई इज ऑड एक्स और वाई के बीच में ऑड नंबर है एक्स पहला एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहा है दूसरा एलिमेंट बी से बिलोंग कर रहा है फर्स्ट सेट ए से दूसरा सेट बी से तो डिफरेंस बिटवीन एक्स वाई इज ऑड ऑड के बीच में डिफरेंस तो पहले वन का ले लो सबके साथ तो वन फोर वन सिक्स देखो वन और फोर में डिफरेंस कितना है थ्री का वन और सिक्स में डिफरेंस कितना है फाइव का आ जाएगा फिर टू का ले लेंगे टू नाइन सिर्फ टू नाइन ही आएगा क्योंकि और तो एलिमेंट आ नहीं सकते हैं इसमें देखो क्वेश्चन में टू का ले लेंगे टू टू फोर तो आएगा नहीं इसमें क्योंकि टू और फोर का डिफरेंस टू होता है वो इवन होता है टू सिक्स भी नहीं आ सकता टू नाइन आ जाएगा तो टू नाइन का डिफरेंस सेवन है टू नाइन लिख दिया यहाँ पर फिर थ्री का लेंगे थ्री फोर थ्री सिक्स इनका डिफरेंस ऑड है फाइव का फाइव फोर और फाइव सिक्स ये आएगा तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म में लिख दिया हमने ठीक है अब अपनाओ क्वेश्चन नंबर फोर में देखो फिगर गिवन है एनसीईआरटी में फाइव और थ्री सिक्स और फोर सेवन और फाइव अगर आप क्लियरली ध्यान से देखें तो पाँच में से दो माइनस करोगे तीन आएगा छः में से दो माइनस करोगे चार आएगा सात में से दो माइनस करोगे पाँच आएगा तो इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है और रोस्टर फॉर्म दोनों में लिखना है तो सेट बिल्डर में तो ये आएगा एक्स डॉट एक्स वाई एक्स माइनस वाई दो इन दोनों का डिफरेंस दो है ना पाँच माइनस तीन दो छः माइनस चार दो सात माइनस पाँच दो तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू टू लिख देना एक्स इससे बिलोंग करेगा और y इससे बिलोंग करेगा क्यू से एक्स बिलोंग्स टू पी और y बिलोंग्स टू क्यू और रोस्टर फॉर्म में क्या लिखोगे रोस्टर फॉर्म में डायरेक्टली पेयर बना देना फाइव थ्री फाइव थ्री लिख दिया सिक्स फोर सिक्स फोर लिख दिया सेवन फाइव पेयर बना दो सेवन फाइव डोमेन फर्स्ट वैल्यू फाइव सिक्स सेवन फाइव सिक्स सेवन डोमेन रेंज सेकेंड वैल्यू थ्री फोर फाइव थ्री फोर फाइव आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव में ये दिया हुआ है वन टू थ्री फोर सिक्स है वन टू थ्री फोर सिक्स आर रिलेशन ऑन ए ए टू ए है ये भी ए बी बिलोंग्स टू ए बी इज एग्जैक्टली डिविजल बाय ए बाद वाला जो है पहले वाले से डिवाइड हो रहा है बी जो है वो ए से डिवाइड हो रहा है राइट इन रोस्टर फॉर्म फाइन डोमेन एंड रेंज तो वन का देखो वन वन से डिवाइड हो जाता है वन टू वन थ्री वन फोर वन सिक्स वन सभी को डिवाइड करता है ना फिर टू लेंगे तो टू टू से डिवाइड हो जाता है क्योंकि ए के एलिमेंट ए से रिलेटेड है ना तो दोनों ले सकते हैं सेम सेम भी ले सकते हैं इसमें टू टू थ्री नहीं आएगा टू फोर आ जाएगा टू फोर टू से डिवाइड हो जाता है ना टू सिक्स सिक्स टू से डिवाइड हो जाता है इसने कहा बी इज़ एग्जैक्टली डिविजल बाय ए बाद वाला जो है ये बाद वाला जो है पहले वाले से डिवाइड हो रहा है ठीक है बाद वाला फर्स्ट वाले से क्या हो रहा है डिवाइड जैसे फोर जो है दो से डिवाइड हो रहा है सिक्स जो है दो से डिवाइड हो रहा है तो ऐसे लेने हैं अब थ्री जो है थ्री का लेंगे थ्री थ्री से डिवाइड हो जाता है थ्री फोर नहीं आएगा थ्री सिक्स आ जाएगा सिक्स जो है वो डिवाइड हो जाता है ना सिक्स जो है वो थ्री से डिवाइड हो जाता है आ गया फोर का लेंगे फोर फोर आ जाएगा फोर सिक्स नहीं आएगा सिक्स सिक्स ये आ जाएगा डोमेन फर्स्ट वैल्यू होती है वन टू थ्री फोर सिक्स रेंज सेकेंड वैल्यू वन टू थ्री फोर सिक्स वो दोनों एक इक्वल है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स एक्स एक्स फाइव दिया हुआ है एक्स बिलोंग्स टू जीरो वन टू थ्री फोर फाइव है तो पहले एक्स की जगह ज़ीरो रखो जहाँ 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 एक्स है तो जीरो जीरो फाइव आ जाएगा फिर एक्स की जगह वन रखो वन वन प्लस फाइव सिक्स आ जाएगा एक्स की जगह टू रखो टू टू प्लस फाइव सेवन आ जाएगा एक्स की जगह थ्री रखो थ्री प्लस फाइव एट आ जाएगा ऐसे फोर रखोगे यहाँ भी देखो यहाँ भी एक्स की जगह फोर यहाँ भी एक्स की जगह फोर फोर प्लस फाइव क्या आएगा नाइन फाइव रखोगे यहाँ भी एक्स की जगह यहाँ भी एक्स की जगह फाइव फाइव प्लस फाइव टेन आ जाएगा डोमेन फर्स्ट वैल्यू ज़ीरो वन टू थ्री फोर और फाइव रेंज सेकेंड वैल्यू फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ये रेंज आ गया अब आर दिया हुआ एक्स इंटू एक्स क्यूब एक्स इज़ अ प्राइम नंबर लेस देन टेन दस से कम प्राइम नंबर ये होते हैं टू थ्री फाइव सेवन तो एक्स की जगह पहले टू रखो टू यहाँ भी एक्स की जगह टू टू का क्यूब फिर एक्स की जगह थ्री रखो थ्री थ्री का क्यूब एक्स की जगह फाइव रखो फाइव फाइव का क्यूब दोनों जगह एक्स है ना एक एक्स क्यूब है और एक एक्स है एक्स की जगह फाइव सेवन रखो सेवन का क्यूब तो टू का क्यूब एट थ्री का क्यूब ट्वेंटी सेवन फाइव का क्यूब वन ट्वेंटी फाइव सेवन का क्यूब थ्री फोर्टी थ्री तो जो डोमे इसमें जो रेंज आएगा और डोमेन आएगा डोमेन आ गया टू थ्री फाइव सेवन और रेंज एट ट्वेंटी सेवन वन ट्वेंटी फाइव थ्री फोर्टी थ्री तो इस वीडियो में इतना ही है टू पॉइंट टू एक्सरसाइज फॉरम एनसीआर इज़ नाउ कम्पलीटेड ओनली टू क्वेश्चन आर लेफ्ट सो वो कम्प्लीट कर लेना इस वीडियो को समझ कर ठीक है एंड आई विल सेंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज ऑल्सो सो इसमें इतना ही है थैंक यू वेरी मच